शाहजहाँपुर फरुखाबाद मार्ग पर लाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुखी सुखी गांव के पास ऑटो और ट्रक की टक्कर में ऑटो सवार 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं, 1 बच्चा और 8 पुरुष शामिल हैं। सभी मरने वाले पांचाल घाट फरुखाबाद गंगा के स्नान के लिए जा रहे थे। सभी मरने वाले थाना मदनापुर क्षेत्र के धमगढ़ा गांव के निवासी हैं। घटना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, जलालाबाद क्षेत्र के विधायक हरि प्रकाश वर्मा, जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया और लोगों से घटना के विषय में जानकारी की। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि घटना अत्यंत दुखद है। ऑटो में सवार 12 लोगों की मौत हुई है। घटना की जांच कराई जा रही है। क्षेत्रीय विधायक हरि प्रकाश वर्मा ने कहा कि इस दुखद घड़ी में हम मृतक के परिजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना दर्दनाक घटना है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि घटना के विषय में लखनऊ से उच्च अधिकारियों ने समस्त जानकारी ली है और मृतकों के परिवार को यथासंभव मदद प्रदान की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आज सुबह करीब 10:30 बजे ये अल्लागन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम सुखसुगी है, इसके पास में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक कंटेनर और एक ऑटो के बीच में जो कोहरे के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें करीब 12 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, जिसमें 8 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं और 1 बच्चा है। जो अभी तक प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि ये सभी लोग जो दमगढ़ा ग्राम है मदनापुर का, वहाँ से जो आपका पांचाल घाट है वहाँ पर स्नान के लिए जा रहे थे। इन्होंने गांव से ही अपना जो टेम्पो है वो किया था और उसके बाद वहाँ से ये आ रहे थे, तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के बाद में जो 12 लोग हैं उनकी कैजुअल्टी हुई, उनको हमने पीएम के लिए भेजा है। मौके पर सभी अधिकारीगण हैं, उनका जल्द से जल्द पीएम करवाया जाएगा और साथ में जो गंभीर धाराएं हैं उनमें मुकदमा भी लिखा जाएगा। जो कंटेनर